आज आपने सर्विस करवाई स्टेट के अराउंड, और 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर का उसका टाइम पीरियड रहता है, तो उसके बीच में लगभग लगभग आपकी गाड़ी का 5,000 किलोमीटर हो चुका है, 6,000 7,000 उसमें हो चुका है, और आपको लग रहा है कि हाँ बाबा गाड़ी के अंदर पिकअप जो है जो पहले जैसा नहीं रहा है। अभी 38,509 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो जब मैंने CNG इंस्टॉल करवाई थी उसके किलोमीटर थे लगभग लगभग 32,640 तक जब थे, तब मैंने CNG किट इंस्टॉल करी थी गाड़ी के अंदर, तो देखा जाए तो लगभग लगभग मैंने 5-800 के समथिंग मैंने गाड़ी चला दी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? यार काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा गाइस, लेकिन साथ में जॉब भी कर रहा हूँ मैं। जॉब करते करते मुझे हैंडल करना इस ऐसे यूट्यूब को कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, जिस दिन पॉसिबल हो जाता है मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाने लगता हूँ, जैसे कि आज मेरा वीक ऑफ है, तो वीक ऑफ के दौरान इस गाड़ी के अंदर आपको भी पता है कि 6 मंथ्स पहले मैंने CNG इंस्टॉल करवाई। CNG इंस्टॉल करने के बाद में उसमें बीच में से आने वाली प्रॉब्लम उसको भी मैंने फेस कराया, आपको बताया कि उसका सॉल्ट आउट भी कैसे करवाया लिया है मैंने। लेकिन अगर आप CNG गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा लेते हो और नेक्स्ट सर्विस तक, मतलब आज लगा दी 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल, उसके अंदर आप लोगों को सर्विस करवानी पड़ती है, लेकिन उस बीच में जब सर्विस इंटरवल आने वाला होता है उसके बीच में हमें क्या क्या चीज़ें को चेक करना पड़ता है, या फिर उसके बीच में भी गाड़ी में थोड़े बहुत झटके लेने लगती है, थोड़ा सा मिस फायर करने लगती है, तो वो क्यों होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही में कैसे कि इस गाड़ी के अंदर भी वैसा तो प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा तो सिलेंडर के अंदर जो स्पार्क प्लग पे सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इसीलिए आज मैं स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर क्लीन करने के लिए आया हूँ। अगर आपकी गाड़ी में AC है तो AC के साथ में आप एयर फिल्टर भी क्लीन करवा लीजिए, जो गर्मी के मौसम में आपको आपकी कैबिन में बढ़िया तरीके से एयर आती रहेगी, जहाँ ही डस्ट वहाँ से AC वेंट से आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसलिए आज मैं योगेश भाई की तरफ ही आया हुआ हूँ, जैसे हमेशा आता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज इसी गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनकी कंडीशन क्या है, एक्यूरेटली उसकी गैप्स भी सेट करूंगा, और साथ में कैसे है कि देखा जाए तो एयर फिल्टर भी क्लीन करना पड़ेगा। देखते कि गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है, तो इसी के साथ में देखा जाए तो मैं आप लोगों को इंजन की कंडीशन पहले दिखा देता हूँ। देख सकते हो इंजन की कंडीशन बेहतरीन है, साफ़ सुथरी मैंने हर टाइम पे रखता हूँ। साथ में अभी आप देख सकते हैं कि सारे स्पार्क प्लग के कॉर्ड्स मैंने खोल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी हमने स्पार्क प्लग निकाले उसमें देखा जाए तो 2 नंबर का जो पिस्टन है उसके ऊपर जो स्पार्क प्लग के ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा आ चुका है, और वो थोड़े बहुत माइनर से शॉर्टेज है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कैसे कर रहे हैं हम लोग कि उसको क्लीन करके ही बिठा रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो मेरी गाड़ी जब मैंने CNG इंस्टॉल करवाई थी, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मेरी गाड़ी की किलोमीटर्स थे, आप देख सकते हैं अभी 38,509 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो जब मैंने CNG इंस्टॉल करवाई थी उसके किलोमीटर्स थे लगभग लगभग 32,640 तक जब थे, तब मैंने CNG किट इंस्टॉल करी थी गाड़ी के अंदर, तो देखा जाए तो लगभग लगभग मैंने 5-800 के समथिंग मैंने गाड़ी चला दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर फिल्टर भी मैंने निकाल दिया है, और एयर फिल्टर की कंडीशन आप देख सकते कुछ ऐसी सी दिख रही है, इसको क्लीन करवा के बिठा रहे हैं। और साथ ही में कैसे है कि स्पार्क प्लग नए डालने पड़ेंगे, लेकिन स्पार्क प्लग को क्या है कि सर्विस अभी देखा जाए तो लगभग लगभग 3,000 या फिर 3,500 किलोमीटर तक ही रह चुके हैं, तो उस टाइम पे मैं पूरे स्पार्क प्लग सब सर्विस में उस टाइम पे दिखाऊंगा कि कैसे मैं सर्विस कराऊंगा, उसको रिप्लेस करवा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एयर फिल्टर और इसको क्लीन करवाना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर योगेश भाई वहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। कैसे हो योगेश भाई? बस ठीक, बढ़िया है। आप लोग? एकदम बढ़िया। देखो फिलर गेज से यहाँ पर जो इसका गैप सेट करा जा रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रेडिश पड़ गया है, इसलिए वो थोड़ा सा शॉर्टेज दिख रहा है। तो अब इसका गैप सेट करवा देते हैं और इसको बिठाने के बाद में उसका परफॉर्मेंस देखते हैं क्या इसमें फ़र्क आता है। अभी एक और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन से रिलेटेड मैं बात कर रहा था, यहाँ पर शायद दिख जाए आपको,
शायद 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 हाँ दिख जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सही से, तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ये वाला शॉकर लीक कर चुका है, तो यहाँ से गाड़ी देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आप लोगों को सही से दिखाऊँ। देख लो इतनी उंगलियाँ बैठ रही है, और साथ में वहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उंगलियाँ बैठ सकती है। तो गाड़ी एक साइड से झुक चुकी है सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो रियर के लिप स्ट्रिंग सस्पेंशन है उसको जो हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में पाटे बोला जाता है, कमानिया बोला जाता है, तो उसको हम लोग ऑयल से अच्छे तरीके से क्लीन करवाएंगे, तो उसका आवाज़ भी वहीं पे डेड हो जाएगा। साथ में गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी एज सच अभी तक तो कोई भी ऐसा बड़ा सा दिक्कत नहीं दे रही, लेकिन चलाने में मेरा ड्राइविंग कैसा है थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी चाहिए, हल्का फुल्का एवरेज भी सही से मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं एवरेज निकालने के हिसाब से ही गाड़ी चलाता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस की भी ज़रूरत रहती है, तो उस हिसाब से ये काम मैं अभी आज करवा रहा हूँ। देखो आपने CNG किट तो इंस्टॉल करवा ली है गाड़ी के अंदर, तो साथ ही में इन स्पार्क प्लगों को अगर आप टाइम टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली करवाना चाहिए, लेकिन अगर आज CNG किट इंस्टॉल करी, मतलब चाहे आप CNG किट गाड़ी ऑलरेडी ले चुके हैं, परचेस कर चुके हैं, तो उसमें कैसे कि आज आपने सर्विस करवाई स्टेट के अराउंड और एक साल या फिर 10,000 किलोमीटर का उसका टाइम पीरियड रहता है, तो उसके बीच में लगभग आपकी गाड़ी का 5,000 किलोमीटर हो चुका है, 6,000 7,000 उसमें हो चुका है, और आपको लग रहा है कि हाँ बाबा गाड़ी के अंदर पिकअप जो है जो पहले जैसा नहीं रहा है, साथ में कैसे है कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सा इसमें काम करना चाहिए, तो उसमें ही इन तीन चीज़ों का उसमें एक फ़र्क रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है इन स्पार्क प्लगों को। तो स्पार्क प्लग को आपको इस तरीके से लेना है और इसको पूरी तरीके से उसके जो फ्रंट का है उसको क्लीन करवाना है, ठीक है। तो मैंने स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर मेरे गाड़ी का क्लीन करवा चुका हूँ। मेरे जो गाड़ी के स्पार्क प्लग थे वो शॉर्ट हो चुके थे, लेकिन चल सकते हैं क्योंकि अभी मैंने उसको रिप्लेस नहीं करवाया है। रीज़न यही था कि मेरी गाड़ी की सर्विस अभी जस्ट 2-3 हज़ार किलोमीटर तक ही आने वाली है, तो मैं खामा का क्यों ऐसा करूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट सर्विस जब करवाऊँगा इस गाड़ी का तब क्या करूँगा कि उसके जो स्पार्क प्लग है अभी जो वापस से मैंने वही लगा दिए है क्लीन करवा के, तो वो मैं रिप्लेस करवा दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माफ़ी चाहूँगा बहुत टाइम बाद वीडियो डाल पाता हूँ, लेकिन आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि करूँगा वीडियो, लेकिन वीकली ऑफ के टाइम पे, मतलब हर वीक में आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी मेरी। तो आई गेस आप लोगों को पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो ऐसे ही आपके गाड़ी का भी मेंटेनेंस आप खुद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, बताएंगे इस वीडियो अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, और हाँ अगली वीडियो मेरे पीछे के सस्पेंशन के ऊपर आने वाली है, जिसका मैं उसको बढ़िया तरीके से क्लीन करवा दूँगा।